हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? दोस्तों मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त अजीज फार्मासिस्ट। दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं कालपोल ड्रॉप्स के बारे में। दोस्तों आपने कालपोल ड्रॉप के बारे में सुना होगा दोस्तों, मतलब हर कोई जानता होगा क्योंकि ये जो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब आपको इंडिया में मिलेगा प्लस इंडिया के बाहर भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये जो कालपोल ड्रॉप बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चित मेडिसिन है। ये मतलब हर घर में दोस्तों अक्सर पाया जाता है या फिर बड़े बड़े डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे एमडी हो, एमबीबीएस हो या फिर चिल्ड्रन का स्पेशली डॉक्टर हो। दोस्तों जानते हैं इसमें इसके बारे में पूरा डिटेल। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों बेल का आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट इस तरह का वीडियो आपके पास लाते रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब दोस्तों का जो कालपोल ड्रॉप, इसमें लिखा है कालपोल पेडियाट्रिक ड्रॉप, मतलब दोस्तों बच्चों के लिए। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है पैरासीटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन आईपी 100 mg, मतलब इंडियन फार्माकोपिया 100 mg का दोस्तों पाया जाता है पैरासीटामोल। और नीचे लिखा हुआ है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। और दोस्तों इस पर लिखा हुआ है एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज डोज बाय बॉडी वेट ऑफ चाइल्ड, मतलब दोस्तों इसको मतलब आपको साल के हिसाब से इसका डोज नहीं देना है, आपके बच्चे के वजन के हिसाब से इसको डोज देना है दोस्तों। इसलिए वही डोज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आपको ये नहीं देखना कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 1 महीना 3 महीने, दोस्तों जितना वजन है उसके हिसाब से। क्योंकि दोस्तों कभी कभी बच्चा क्या होता है, मतलब 2-3 महीने के रहता है मगर हेल्थी रहता है, इसलिए दिखने बड़ा दिखता है दोस्तों। और कभी कभी बच्चा 1 साल का रहता है मगर दोस्तों थोड़ा सा पतला रहता है, दुबला पतला, इसलिए कन्फ्यूज रहता है। इसलिए दोस्तों आपको बॉडी के हिसाब से, मतलब जो बच्चे का जो वेट है उसके हिसाब से डोज देना है। अब दोस्तों इसमें जानते हैं कालपोल का काम क्या दोस्तों। जो सबसे पहले दोस्तों इसको जो कालपोल का काम है, सबसे पहले हेडेक बार दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों फीवर, बुखार में बहुत फास्ट काम करता है दोस्तों, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को लो कर देता है। और उसके बाद में पेन, फिर हल्की फुल्की सर्दी से इसमें भी काम करेगा। जानते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें दोस्तों एक बॉटल है कालपोल की, कांच की बॉटल है दोस्तों। और उसके बाद में एक ड्रॉपर मिलेगा जिसके दोस्तों आपको हिसाब से भर के पिलाना है दोस्तों। दूसरा ड्रॉपर इसकी यूज ना करें, आप एक ड्रॉपर एक ही सिरप में यूज करें या फिर एक ही मेडिसिन में दोस्तों। अब जानते हैं इसका डोज क्या दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट उसका डोज दोस्तों। जो इसका डोज है अपने उससे लिखा है वो वेट केजी डोज है, मतलब जैसे अगर आपका बच्चा 3.9 मतलब 3 किलो से 4 किलो तक है तो दोस्तों आपको 0.4 ml पिलाना है। अगर आपका बच्चा 4 किलो से 5 किलो तक तो आपको 0.6 ml पिलाना है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपका बच्चा 5 से 6 किलो तक है तो आपको 0.7 ml पिलाना है दोस्तों। अगर आपका बच्चा 6 से 7 किलो तो आपको 0.9 ml पिलाना दोस्तों। अगर आपका बच्चा 7 से 8 किलो तो आपको 1 ml पिलाना दोस्तों, मतलब पूरा भर के। और दोस्तों अगर आपका बच्चा 8 से 9 किलो तो आपको मतलब 1.2 ml, मतलब 1 ml फिर 2 ml। उसके बाद दोस्तों अगर आपका बच्चा 9 से 10 किलो का है तो दोस्तों आपको 1.3 ml पिलाना है दोस्तों। इसमें जो आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ml लिखा हुआ है तो इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो कि ml कहाँ मिलेगा दोस्तों। आप इस पर देखेंगे इस पर दोस्तों ml लिखा हुआ है, जैसे यहाँ से स्टार्ट के 1 ml 2 ml दोस्तों लास्ट तक जाएंगे तो उसके बाद आपको 10 ml मिल जाएगा दोस्तों। मतलब जो जहाँ 10 लिखा रहेगा वो समझो आपका 1 ml है, तो भर के जब पिलाएंगे तो आपका 1 ml हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 ml पिलाना तो फिर 2 पॉइंट भर के पिला जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जानते हैं साइड इफेक्ट क्या है। इसका साइड इफेक्ट दोस्तों इंडाइजेशन, मतलब बच्चे का इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर नौसिया, फिर मतलब उल्टी हो सकती है, ओमिटिंग दोस्तों, ये सब इसके साइड इफेक्ट है दोस्तों। दोस्तों ये सारी बातें थी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टेक केयर।